हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायरिंग ड्रीम सिविल सर्विसेज। हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन? होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सुपर सीरीज पार्ट 4 फॉर बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर एग्जाम। अर्लियर पार्ट 3 आर कंप्लीटेड, तो जिसने नहीं अटेम्प्ट किया जाके अटेम्प्ट कीजिए। एवरीवन, फाइंड पीडीएफ फॉर सीरीज 1, 2 एंड 3 इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। सो मैनी स्टूडेंट्स आर आस्किंग फॉर द पीडीएफ फाइल, तो आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडे सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1 इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग पोटेंशियल जीडीपी एंड एक्चुअल जीडीपी इन इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र में संभावित जीडीपी और वास्तविक जीडीपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज, पोटेंशियल जीडीपी इज एन इकोनॉमीज मैक्सिमम आइडल प्रोडक्शन विद लो एम्प्लॉयमेंट अक्रॉस ऑल सेक्टर्स एंड मेंटेनिंग करेंसी एंड प्रोडक्ट प्राइस स्टेबिलिटी। एंड स्टेटमेंट 2 इज, द एक्चुअल जीडीपी इज अ कंट्रीज मेजर्ड आउटपुट एट एनी इंटरवल। ऑप्शंस आर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी 1 एंड 2, डी नाइदर 1 नॉर 2, ई नन ऑफ द अबव और मोर देन 1 ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज बी। सो ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो 1 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिकॉज पोटेंशियल जीडीपी जो है इट इज इकोनॉमीज मैक्सिमम आइडल प्रोडक्शन विद हाई एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ लो एम्प्लॉयमेंट की जगह हाई एम्प्लॉयमेंट आएगा, अक्रॉस ऑल सेक्टर्स एंड मेंटेनिंग करेंसी एंड प्रोडक्ट प्राइस स्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 2 इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग जीडीपी एंड जीएनपी इन इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र में जीडीपी और जीएनपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, जीडीपी इज अ मॉनिटरी मेजर ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। बी इज, जीएनपी इज द जीडीपी ऑफ अ कंट्री एडेड विद इट्स इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सी, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। डी इज, जीडीपी इज इक्वल टू एनडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। एंड ई इज नन ऑफ द अबव एंड मोर देन 1 ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज डी। सो इसमें से डी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, अदर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो जीडीपी जीएनपी के लिए आप यहीं से रेफर कर लो। और डी में इनकरेक्ट क्या है, यहाँ पर जीडीपी जो है इज इक्वल टू एनडीपी माइनस डेप्रिसिएशन दिया है, जबकि एनडीपी जो होता है इट इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एनडीपी जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, विच इज अ एनुअल मेजर ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ अ नेशन विच इज एडजस्टेड टू अकाउंट फॉर डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 3 इज, द वैल्यू ऑफ विच वर्क इज एडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी की गणना में किस कार्य का मूल्य जोड़ा जाता है? ऑप्शंस आर ए हाउसवाइफ्स वर्क, बी अ टीचर टीचिंग हिज ओन चाइल्ड, सी द वैल्यू ऑफ रीसेल ऑफ ऑल सेल्स, डी कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस बाय एन आर्टिसन, एंड ई नन ऑफ द अबव एंड मोर देन 1 ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज डी। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसेज बाय एन आर्टिसन इज एडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी because it is related with the new production work in the economy. Question number 4th is, which among the following is not a factor of production? तो निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का कारक नहीं है? Options are A. land, B. labor, C. capital, D. wages, E. none of the above and more than 1 of the above. So try to attempt this question. Answer is D. सो वेजेस जो हैं इट इज नॉट द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अदर्स आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 5th इज, विच कमेटी रिकमेंडेड द मर्जर ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स विद देयर रिस्पेक्टिव स्पॉन्सर बैंक्स। तो किस समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके संबंधित प्रयोजक बैंकों के साथ विलय करने की सिफारिश की थी? ऑप्शंस आर ए खुसरो कमेटी, बी नरसिम्हा कमेटी, सी दत्त कमेटी, डी सी रंगाराजन कमेटी एंड ई नन ऑफ द अबव एंड मोर देन 1 ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए। सो इट इज रिकमेंडेड बाय खुसरो कमेटी। एज एग्रीकल्चर क्रेडिट रिव्यू कमेटी
दैट इज खुसरो कमेटी जो है वो 1989 में आई थी और इसने रिकमेंड किया था कि देर शुड बी मर्जर ऑफ रीजनल रूरल बैंक विद देयर स्पॉन्सर बैंक एंड इट ऑल्सो हाईलाइटेड द वीकनेस ऑफ RRB बैंक्स एंड देयर नॉन वायबिलिटी. कम टू क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन रिलीजेज द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट. सो ऑप्शंस आर ए वर्ल्ड बैंक, बी फेडरल रिजर्व बैंक, सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी. सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को. क्वेश्चन नंबर 7 इज हु अमंग द फॉलोइंग वर नॉट एसोसिएटेड विद बॉम्बे प्लान. सो इनमें से कौन बॉम्बे योजना से जुड़े नहीं हैं. ए मिस्टर JRD टाटा, बी मिस्टर GD बिरला, सी पी ठाकुरदास, डी कस्तूरबा भाई लाल भाई एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ई. सो नन ऑफ द अबव इज द आंसर बिकॉज ऑल आर एसोसिएटेड विद द बॉम्बे प्लान. क्वेश्चन नंबर 8 इज इन 1950 सर्वोदय प्लान केम आउट विच वॉज ड्राफ्टेड बाय. सो 1950 में सर्वोदय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी. ऑप्शंस आर ए MN रॉय, बी M विश्वेश्वरिया, सी श्रीमन नारायण अग्रवाल, डी जयप्रकाश नारायण, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी जयप्रकाश नारायण. क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान वर्कड ऑन द मोटिव रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस. सो ऑप्शंस आर ए 4th 5-year प्लान, बी 5th 5-year प्लान, सी 6th 5-year प्लान एंड डी 7th 5-year प्लान एंड ई नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी 5th 5-year प्लान. फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ बिकॉज ये क्वेश्चन सीरीज 1 में भी था इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, बट बहुत सारी क्वेरीज आ रही है. मैंने ऑलरेडी पिन भी कर दिया है कमेंट सेक्शन में बट वो कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं और बार बार एक ही क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, तो मैं आज क्लेरिफाई कर देती हूँ. 5th 5-year प्लान और 6th 5-year प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, तो इसलिए मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि रिमूवल ऑफ पॉवर्टी की बात जो है, जो स्लोगन अगर पूछे कि स्लोगन कब आया था, सो आंसर जो है वो 5th 5-year प्लान होगा. बट फर्स्ट सीरीज में जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें 5th और 6th दोनों ऑप्शन में थे, तो इसलिए आंसर जो है वो मैंने ई दिया था जो करेक्ट है बिकॉज 5th प्लान में जो है स्लोगन की बात की गई थी और इसमें जो है वर्क किया गया था ऑन द मॉडल ऑफ रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, जबकि 6th 5-year प्लान में इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए वर्क किया गया था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी के लिए. सो होप सो आप सबको क्लैरिफाई हो जाएगा. अब इससे रिलेटेड आप दोबारा कमेंट मत करिएगा, मैंने कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया और जिसको भी अगर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सीरीज 4 में क्लैरिफाई कर लें. सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर इनकरेक्ट. तो इसमें इनकरेक्ट बताना है आपको. ऑप्शंस आर स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, कॉरपोरेशन इज रशिया, बी दुर्गापुर स्टील प्लांट UK, सी राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी एंड डी बोकारो स्टील प्लांट USA एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी. तो इसमें डी जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज जो बोकारो स्टील प्लांट है इट वॉज बिल्ट विद सोवियत हेल्प, दैट इज रशिया की हेल्प से बना था, तो यहाँ USA नहीं आएगा. अदर करेक्ट है. ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं तो आप इसको लर्न कर लेना अच्छे से. और मैं आपको थोड़ा सा बता भी देती हूँ, जो BSL बोकारो स्टील प्लांट है ये बोकारो डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में है एंड इट इज द 4th इंटीग्रेटेड पब्लिक सेक्टर प्लांट इन इंडिया विच वॉज बिल्ट विद द हेल्प ऑफ USSR एंड इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज अ लिमिटेड कंपनी 1965 में ये एज अ लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट किया गया था और इसको बाद में मर्ज कर दिया गया था विद स्टील ऑन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज सेल के साथ. क्वेश्चन नंबर 11 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द MP लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम दैट इज MP LAD. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट. तो नॉट करेक्ट और करेक्ट के लिए आपको ध्यान रखना है. कुछ क्वेश्चन जो है बच्चे वो गलत कर देते हैं एग्जाम में क्योंकि वो रीड नहीं करते हैं क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए उसके बाद अटेम्प्ट करिए. ए इज MP LAD सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम,
was developed as an initiative to enable the parliament member to recommend developmental work in their constituency based on the locally felt needs. B is, these developmental works mainly focused on the area of national priority such as drinking water, education, public health, sanitation and road, etc. C is, MP-led was started by the late Prime Minister Rajiv Gandhi. D, this scheme is now administered by the Ministry of Statistics and Implementation. E, none of the above. So try to attempt this question. Answer is E. So इसमें जो है मोर देन अबव आंसर है, बिकॉज स्टेटमेंट वन एम्पीलेट सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम लिखा है, तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. और स्टेटमेंट सी में इट वॉज स्टार्टेड बाय लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी मैंने दिया है, तो इट इज कम अंडर द पीवी नरसिम्हा राव. सो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आंसर ई है. क्वेश्चन नंबर 12 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया. सो निम्नलिखित में से कौन भारत में एक वाणिज्य बैंक की संपत्ति में शामिल नहीं है. ए एडवांसेस, बी डिपॉजिट, सी इन्वेस्टमेंट, डी मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ई नन ऑफ दी अबव और मोर देन वन ऑफ दी अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी. सो डिपॉजिट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स and rest other options are included in the asset of commercial bank in India. Question number 13 is, the service area approach was implemented under the purview of, तो सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण को किसके दायरे में लागू किया गया था. A integrated rural development program, B lead bank scheme, C महात्मा गांधी national rural employment guarantee scheme, D national skill development mission, E none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question, your time starts now. Answer is B, lead bank. So basic function jo hai lead bank ka kya tha, it is related with the preparation of service area credit plan and it works in the coordination with the effort of government, bank and credit agencies also. और सर्विस एरिया अप्रोच जो है वो एक मॉडिफिकेशन है ऑफ लेड बैंक स्कीम की. क्वेश्चन नंबर 14 इज, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स इन सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा इज आर करेक्ट. तो भारत में दूरसंचार, बीमा, बिजली आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों की निम्नलिखित में से कौन सी समीक्षा सही है. ऑप्शंस आर ए एडहॉक कमेटी विच इज सेट अप बाय पार्लियामेंट, बी पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटिंग स्टैंडिंग कमेटी, सी फाइनेंस कमीशन, डी नीति आयोग, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. सो आंसर इज ई, मोर देन वन ऑफ द अबव, बिकॉज स्टेटमेंट ए दैट इज एडहॉक कमेटी सेट अप बाय पार्लियामेंट एंड बी पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी आर करेक्ट. Question number 15 is, among the agricultural commodity imported by India, which one of the following account for the highest import in term of value in the last 5 years? Options are A spices, B fresh fruit, C pulses, D vegetable oil, E none of the above, more than none of the above. So try to attempt this question. Answer is D vegetable oils. सो भारत द्वारा आयात की जाने वाली कृषि वस्तुओं में जो वेजिटेबल ऑयल्स है, वनस्पति तेल है, ये पिछले 5 वर्षों में मूल्य के मामले में सबसे अधिक आयात करता है. क्वेश्चन नंबर 16 इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग परचेजिंग पावर पैरिटी. सो पीपीपी के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है. ऑप्शंस आर पीपीपी एक्सचेंज रेट्स आर कैलकुलेटेड बाय द प्राइजेज ऑफ डिफरेंट बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज. बी इज पीपीपीज आर द रेट ऑफ करेंसी कन्वर्जन दैट इक्वलाइज द परचेजिंग पावर ऑफ डिफरेंट करेंसीज बाय एलिमिनेटिंग द डिफरेंसेज इन प्राइज लेवल बिटवीन द कंट्रीज. सी इट इज आल्सो कैलकुलेटेड फॉर प्रोडक्ट ग्रुप एंड फॉर ईच ऑफ द वेरियस लेवल ऑफ एग्रीगेशन अप टू एंड इंक्लूडिंग जीडीपी. D. The major use of PPP is as a first step in making inter-country comparison in real terms of gross domestic product and its component expenditure.
is none of the above or more than of the above. So try to attempt this question. Answer is A. So A statement जो है वो incorrect है because PPP जो है it is exchange rate which are calculated by the prices of same goods, not different good of basket of good and services in different country. So यहाँ पर same goods आएगा, इसलिए ये incorrect है. Other statement जो है वो correct है regarding PPP. Question number 17 is Atal Innovation Mission is set up under. So Atal Innovation Mission important है, कौन से ministry या department में आता है? Options are A, Department of Science of Technology, B, Ministry of Labour and Employment, C, Niti Aayog, D, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, E, none of the above. So try to attempt this question. Answer is C. So it come under Niti Aayog. So it is a flagship initiative of PM which was set up by the नीति आयोग, और इसका एम क्या है? टू प्रमोट द इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री. सो पूरी कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को प्रमोट करना इसका मेन एम है. क्वेश्चन नंबर 18 इज विद रेफरेंस टू इंडियाज फाइव ईयर प्लान विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट. तो इसमें आपको नॉट करेक्ट बताना है कि कौन सी पांच वर्षीय योजनाओं के संदर्भ में सही नहीं है. A, from the second five-year plan, there was a determined thrust toward substitution of basic and capital good industry. B is, from the third five-year plan, the main target of this plan was to make the economy independent and the stress was laid on agriculture and the improvement in the production of wheat. C is, from the sixth five-year plan, the top priority was given to the development of human resources, that is, employment, education and public health. D is, from the 7th five-year plan, for the first time the private sector got the priority over the public sector. E, none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. Your time starts now. So answer is C. तो इसमें सी जो है वो करेक्ट नहीं है बिकॉज यहाँ पर सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान की जगह क्या आएगा? एट्थ फाइव ईयर प्लान आएगा बिकॉज एट्थ फाइव ईयर प्लान से जो टॉप प्रायोरिटी है वो किसको दी गई थी? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को. क्वेश्चन नंबर 19 इज फाइनेंशियल मार्केट इज क्लासिफाइड इनटू मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. विच ऑफ दीज आर द कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट. तो आपको बताना है इसमें से कौन पूंजी बाजार के साधन है. ऑप्शन आर ए प्रेफरेंस शेयर, बी डिबेंचर, सी बॉन्ड, डी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ई नन ऑफ दी अबव, मोर देन वन ऑफ दी अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ई. सो ऑल ऑफ दी अबव इज द आंसर. सो ऑल आर इंक्लूड अंडर कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. क्वेश्चन नंबर 20 इज फिस्कल कंसोलिडेशन इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन फिस्कल कंसोलिडेशन. तो इसमें से राजकोषीय समेकन में कौन मदद करेगा? ए इंक्रीजिंग टैक्सेस, बी रिड्यूसिंग सब्सिडीज, सी डिक्रीज एक्सपेंडिचर एंड डी इंक्रीज रिवेन्यू एंड ई नन ऑफ द अबव. सो इसमें थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना होगा. अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को. So answer is E. All of the above are come under the objective of India's economic policy, that is fiscal consolidation, and they help in the fiscal consolidation. तो आप ये सब learn कर लो यहाँ से, ये important है question. Question number 21 is which of the following constitute the internal debt of the central government. So इसमें निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार के आंतरिक ऋण का गठन करता है? ऑप्शंस आर ए ट्रेजरी बिल, बी नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सी इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल इशू टू द स्टेट गवर्नमेंट, डी स्पेशल सिक्योरिटी इशू टू नेशनल स्मॉल सेविंग फंड एंड ई नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ई. सो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट related with internal debt of the central government. Question number 22 is in a given year in India official poverty lines are higher in some states than in other because. तो भारत में किसी दिए गए वर्ष में
कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में अधिक हैं, क्योंकि रीजन बताना है। ए पावर्टी रेट वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, बी प्राइस लेवल वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, सी ग्रोस स्टेट प्रोडक्ट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, या डी क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, एंड डी नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर इज बी। सो बी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, बिकॉज प्राइस लेवल जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 23 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर इनकरेक्ट। तो आपको कौन सा सही नहीं है ये बताना है। ए NRI बॉन्ड, दीज वर द सिक्योरिटीज इशूड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू रेज द फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम इंडियंस अब्रॉड बाय ऑफरिंग रीजनेबल रिटर्न्स विद अ सॉवरेन गारंटी। बी इज मसाला बॉन्ड्स, मसाला बॉन्ड्स आर द बॉन्ड्स इशूड आउटसाइड इंडिया। एंड सी इज क्राउडिंग आउट, एन इकोनॉमिक थ्योरी which is arguing that rising public sector spending drives down or even eliminates the private sector spending. D is zero based budgeting, ZBB. It is a method of budgeting in which only specific expenses must be justified for each new period. And E, none of the above. So try to attempt this question. Isme incorrect batana hai, dhyan se dekhiyega question ko. So answer is D. इसमें ZBB वाली स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज यहाँ पर ओनली स्पेसिफिक एक्सपेंसेस नहीं आएगा, बट इट इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 24 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल इन इंडिया। सो इसमें से कौन सा भारत में साख नियंत्रण के मात्रात्मक तरीकों में शामिल नहीं है। ए बैंक रेट पॉलिसी, बी लीगल रिजर्व रेशियो, सी ओपन मार्केट ऑपरेशन, डी डिस्क्रिमिनेशनरी इंटरेस्ट रेट, एंड ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज डी, डिस्क्रिमिनेशनरी इंटरेस्ट रेट जो है इट इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, बिकॉज ये किसके अंडर आता है, ये क्वालिटेटिव मेथड के अंदर आता है, और बाकी सारे क्वांटिटेटिव मेथड हैं, बैंक रेट, लीगल रिजर्व रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव आप यहीं से इसको रिवाइज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 25 इज विच कमेटी रिकमेंडेड टू डिसाइड ऑन मॉनेटरी पॉलिसी वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय। सो मौद्रिक नीति पर निर्णय लेने के लिए किस समिति की सिफारिश सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी। ए रघुराम राजन, बी अमर्त्य सेन, सी एन के सिंह, डी उर्जित पटेल, डी ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। सो आंसर इज डी उर्जित पटेल। क्वेश्चन नंबर 26 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो CPI के लिए आपको नॉट करेक्ट बताना है इसमें से। ए CPI इंडिकेट द एवरेज चेंज इन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज एट द रिटेल लेवल। बी पब्लिश बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सी इट मेजर्स द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। डी डाटा रिलीज ऑन मंथली बेसिस, एंड ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज बी। तो बी स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है, बिकॉज इट इज पब्लिश बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस दैट इज CSO पब्लिश करता है, और ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 27 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग होलसेल प्राइस इंडेक्स। सो WPI एंड CPI दोनों इंपॉर्टेंट हैं, अब आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है WPI के लिए। ए अमाउंट टू द एवरेज चेंज इन द प्राइजेज ऑफ कॉमोडिटी एट द होलसेल लेवल। बी मेजर्स द प्राइजेज ऑफ गुड्स ओनली। सी डाटा रिलीज ऑन प्राइमरी आर्टिकल फ्यूल एंड पावर वीकली बेसिस। डी पब्लिश बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर इज ई। सो नन ऑफ द अबव इज द आंसर, बिकॉज ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 इज हेडलाइन इन्फ्लेशन और जनरल इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेसेस। तो इसमें कौन सा इंडेक्स यूज होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन के लिए। ए होलसेल प्राइस इंडेक्स,
बी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, डी मार्केट प्राइस इंडेक्स एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. आंसर इज बी. सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज यूज्ड टू मेजर हेडलाइन इन्फ्लेशन. क्वेश्चन नंबर 29 इज हाउसिंग प्राइस इंडेक्स इज रिलीज बाय ए एस एफ बी, बी सिडबी, सी वर्ल्ड बैंक, डी आरबीआई एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी. सो हाउसिंग प्राइस इंडेक्स कौन रिलीज करता है? आरबीआई करता है. क्वेश्चन नंबर 30 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल. तो गार के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ए द गार प्रोविजन कम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961, बी द डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री फ्रेम द रूल अंडर गार, सी गार वॉज इनिशियली प्रपोज इन इनडायरेक्ट टैक्स कोड 2009 although it was introduced into India in the budget session of parliament in 2012. D. GAR is specifically against transaction where the sole intention is to avoid the tax and E. none of the above. So try to attempt this question. Answer is C. So C statement is incorrect hai because yahan par GAR jo hai wo propose kiya tha by direct tax code not indirect tax code. क्वेश्चन नंबर 31 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 5 years. ए इंडिया, बी चाइना, सी बांग्लादेश, डी थाईलैंड, ई नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए इंडिया. क्वेश्चन नंबर 32 इज एज पर द रिवाइज गाइडलाइन ऑफ आरबीआई लोन्स टू स्टार्टअप्स अप टू by which commercial banks will be counted for priority sector lending target. So, आपको बताना है इसमें से कितना टारगेट है. A 25 करोड़, B 50 करोड़, C 75 करोड़, D 100 करोड़, E none of the above. So, try to attempt this question. So, answer is B 50 करोड़. Question number 33 is VULW and K are in the news during the COVID-19 pandemic. They are related to options are A shape of recovery of Indian economy during and after the COVID-19 pandemic, B type of virus found in various countries, C level of infection in the human body, D trends in the pandemic and E none of the above. So try to attempt this question. This question is important. So answer is A. It is related with shape of recovery of Indian economy during the pandemic. Question number 34 is which of the following is the world most valuable information technology firm in terms of market capitalization? तो बाजार पूंजीकरण के मामले में निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे मूल्यवान सूचना प्रौद्योगिकी फर्म है? A. Accenture, B. Tata Consultancy Services, C IBM, D Infosys, E none of the above. So try to attempt this question. So answer is B, Tata Consultancy Services, that is TCS. Question number 35 is Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson won 2020 Nobel Prize in Economics. They won this coveted prize for their contribution in. तो किसके लिए प्राइज नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स मिला है? फील्ड बतानी है आपको. ए डिजाइनिंग न्यू एक्चुअल फॉर्मेट फॉर गुड एंड सर्विसेज दैट आर डिफिकल्ट टू सेल इन अ ट्रेडिशनल वे सच एज रेडियो फ्रिक्वेंसीज, बी डेवलपिंग अ मॉडल ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन, सी रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, डी डिकोडिंग न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. So answer is A, designing new auction format for goods and services. Question number 36 is which of the following statement is or not correct about the positive pay system which is being introduced by the RBI. So not correct batana hai. A, the check will be processed for payment by the drawee bank based issuance of check.
बी द सिस्टम शैल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम जनवरी 1, 2021, सी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया शैल डेवलप द पॉजिटिव पे इन चेक ट्रंकेशन सिस्टम एंड मेक इट अवेलेबल टू पार्टिसिपेंट बैंक, डी बैंक शैल एनेबल इट फॉर ऑल अकाउंट होल्डर चेक फॉर अमाउंट ऑफ 5 लाख एंड अबव, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी. सो डी स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है बिकॉज यहाँ पर 5 लाख एंड अबव की जगह आएगा 50,000 एंड अबव. एंड ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिलेटेड विद पॉजिटिव पे सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 37 इज विच फेमस इंडियन ब्रांड फेस द आयरे ऑफ द कंज्यूमर्स फॉर एन एडवर्टीजमेंट फॉर एलिजली प्रमोटिंग लव जिहाद. सो ऑप्शन आर ए तनिष्क, बी कोक, सी फेयर एंड लवली, डी हीरो, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए तनिष्क. तो तनिष्क एक ज्वेलरी ब्रांड है विच इज फ्रॉम द टाटा ग्रुप वॉच एंड ज्वेलरी मेकर टाइटन. इट फेस द रथ ऑफ ऑनलाइन सोशल मीडिया मॉब्स. क्वेश्चन नंबर 38 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव हैव बीन करेक्ट रिगार्डिंग अनाउंस बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑन 12 अक्टूबर 2020 टू स्टिमुलेट डिमांड इन द इकोनॉमी दैट विल हेल्प द इकोनॉमी बीट द COVID-19 ब्लू. तो आपको इसमें से करेक्ट बताना है. ए LTC कैश वाउचर स्कीम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, बी न्यू इंटरेस्ट फ्री फेस्टिवल एडवांस ऑफ 10,000 टू बी रिटर्नेबल इन 8 इक्वल इंस्टॉलमेंट, सी 12,000 करोड़ स्पेशल असिस्टमेंट फॉर स्टेट्स इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट फ्री 50 ईयर लोन, डी सेंटर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट टू बी अप्ड बाय 25,000 करोड़, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. सो आंसर इज ई. ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 39 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कमर्शियल बैंक हैव स्टार्टेड चार्जिंग अ कन्वीनियंस फी फॉर कैश डिपॉजिट बाय कस्टमर इन कैश रिसाइक्लर ड्यूरिंग नॉन बिजनेस आवर्स एंड बैंक हॉलीडे. सो निम्नलिखित में से किस वाणिज्य बैंक ने गैर व्यापारिक घंटों और बैंक छुट्टियों के दौरान नगद पूर्ण चक्रकर्ताओं के ग्राहकों द्वारा नगद जमा के लिए सुविधा शुल्क लेना शुरू कर दिया है. सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ऑप्शंस आर ए SBI एंड PNB, बी बैंक ऑफ बड़ौदा एंड कैनरा बैंक, सी एक्सिस बैंक एंड ICICI बैंक, डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड यस बैंक, एंड ई नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी एक्सिस बैंक एंड ICICI बैंक. क्वेश्चन नंबर 40 इज द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री रिवाइज्ड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स. द बेस ईयर फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर हैज बीन रिवाइज्ड फ्रॉम ए 2001-16, बी 2004-17, सी 2005-18 एंड डी 2006-19. And E, none of the above. So try to attempt this question. Answer is A. So it is revised from 2001-2016. Question number 41. Which of the following index is used for regulation and determination of dearness allowance being paid to central or state government employee? Options are A. Wholesale Price Index, B. Consumer Price Index combined, C Consumer Price Index Urban, D Consumer Price Index Industrial Worker, and E none of the above. So try to attempt this question. Answer is D Consumer Price Index Industrial Worker 2016 is equal to 100. Question number 42 is which of the following statement is are correct about the findings of Credit Suisse Global Wealth Report 2020. तो रिपोर्ट्स और इंडेक्स से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं रिपोर्ट और इंडेक्स क्वेश्चन हमेशा देती हूँ आपको. ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं. ऑप्शंस आर ए ग्लोबल हाउसहोल्ड वेल्थ इज एक्चुअली हेल्ड स्टेडी इन 2020 डिस्पाइट द ग्लोबल COVID-19 पैंडेमिक, बी इंडिया हैड 9,12,000 मिलियनरी और 2% ऑफ 51.9 मिलियन मिलियनरी ग्लोबली एट द एंड ऑफ 2019 ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2020, सी द वेल्थ पर इंडियन अडल्ट स्टूड एट डॉलर
17,420 at the end of 2020 June, up from $17,300 as of 2019 end. D, the annual growth of wealth per adult averaged 9.7% over 2000 to 2019 at current exchange rate and 12.1% with consent exchange rate. And E, none of the above. So try to attempt this question. Answer is E. So all the above statements are correct regarding Global Wealth Report 2020. Question number 43. Pay Later facility has been offered by. So Pay Later suvidha kiski hai? A. Amazon India and Flipkart. B. Easy Day. C. Best Price Stores of Walmart. D. Reliance Fresh. E. None of the above. So try to attempt this question. Answer is A. Amazon India and Flipkart. Question number 44 is Mission Karma Yogi is for A. Migrant laborers, B. Civil servant, C. Health worker engaged in COVID-19 hospital, D. Paramilitary forces engaged in anti-insurgency operation in left-wing extremist district. E. None of the above. So try to attempt this question. Answer is B. It is related with civil servants. Question number 45 is Arise Atal New India Challenge Program is in line with the mandate of A. Make in India Program, B. Startup India Program, C. Atmanirbhar Bharat Abhiyan, D. Skill Development Mission, E. None of the above. So try to attempt this question. Answer is E. So statement A, B, C yahan par correct hain. These are related with ARISE, that is Atal New India Challenge Program. Question number 46 is which of the following commercial bank topped ease 2.0 Banking Reform Index March 2018-20? Options are A. Bank of Baroda, B. Punjab National Bank, C. State Bank of India, D. Canara Bank, E. None of the above. So try to attempt this question. Top batana hai aapko ease 2.0 Banking Reform Index mein kisne top kiya hai. So answer is A. Bank of Baroda. So ease jo hai, it is Enhanced Access and Service Excellence 2.0 Banking Reform Index hai on the performance of public sector bank. 2018-20 mein aaya tha and it is released by the Indian Bank Association. Question number 47 is India shared gold medal with which country in the first online chess Olympiad 2020? So, Bharat ne pehle online shatranj Olympiad 2020 mein kis desh ke saath swarn padak saajha kiya hai? Options are A. Russia, B. Armenia, C. Poland, D. India, E. None of the above. So, try to attempt this question. Answer is A. Russia. Question number 48 is what is Indra Navy? So Indra Navy kya hai? Options are A. It is a biennial bilateral maritime exercise between Indian Navy and Russian Navy. B. It is an Indian submarine. C. It is a ship. D. It is a new command of Indian Navy. E. None of the above. So try to attempt this question. Answer is A. So, ये एक biennial bilateral maritime exercise है Indian Navy और Russian Navy के बीच में. Question number 49 is As per Prime Minister announcement on Independence Day speech 2020, 6 lakh villages will be connected through optical fiber network within how many days? Options are A. 50, B. 1500, C. 1000, D. 2000, E. None of the above. So try to attempt this question. Answer is C. 1000 days. So isme 6 lakh villages ko connect kiya jayega optical fiber network ke through 1000 days mein. Question number 50 is recently Grihe Parvesham event in which state was addressed by the PM Modi? Options are A. Madhya Pradesh, B. Uttar Pradesh, C. Karnataka, D. Andhra Pradesh, E. None of the above. So try to attempt this question. Answer is A. Madhya Pradesh.
फ्रेंड्स फर्स्ट हाफ इज कम्प्लीटेड, 50 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, एग्जाम में भी आपको यही करना है, प्रैक्टिस करनी है इसी चीज की, कि क्वेश्चन को पहले देखना है क्वेश्चन में क्या पूछा है, करेक्ट इनकरेक्ट क्या स्टेटमेंट दी गई है। बिकॉज बहुत सारे कमेंट मैंने ऐसे देखे हैं जो क्वेश्चन में कमेंट करें कि मैम ये आंसर सही नहीं है, बट वो क्वेश्चन ही रीड नहीं करते कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, स्टेटमेंट में क्या पूछा है। तो आप प्लीज पहले मैं इतना मेहनत करके क्वेश्चन दे रही हूँ, आप क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, वीडियो देखिए, उसके बाद अगर आपको कोई डाउट है तो उसके लिए आप वेलकम है, आप मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, बट क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िए समझिए, उसके बाद ही क्वेश्चन पूछिए कमेंट सेक्शन में। फ्रेंड्स बताइए आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 51। पीएम नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड अटल टनल विच इज लोकेटेड इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ ए जम्मू एंड कश्मीर, बी लद्दाख, सी हिमाचल प्रदेश, डी सिक्किम, ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, आंसर इज सी हिमाचल प्रदेश। सो जो अटल टनल है वो रोहतांग पास जो है हिमाचल प्रदेश में वहां पे बन रही है, एंड इट इज द हाईएस्ट एल्टीट्यूड टनल इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 52 इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर नॉट करेक्ट अबाउट प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो आपको नॉट करेक्ट बताना है। ए पीएम जनधन योजना वॉज लॉन्च्ड इन अगस्त 2014। बी कोलैटरल फ्री ओवरड्राफ्ट लिमिट इज 1 लाख फॉर एक्टिव जनधन अकाउंट। सी द एज लिमिट इज 18 to 65 years। डी द फोकस ऑफ द स्कीम हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम एवरी अनबैंक्ड हाउसहोल्ड टू एवरी अनबैंक्ड अडल्ट। ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, आंसर इज बी। तो इसमें बी इनकरेक्ट है, यहाँ पर 1 लाख की जगह आएगा 10,000 कोलेट्रल फी फॉर एक्टिव जनधन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 53 इज विच ऑफ द फॉलोइंग बीचेस ऑफ इंडिया हैज गॉट इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है पेपर में। ए शिवराजपुर द्वारका गुजरात एंड घोगला दीव, बी कसरगढ़ एंड पदुबिद्री कर्नाटका, सी कप्पड़ केरला एंड ऋषिकोंडा एपी, डी इज गोल्डन पुरी उड़ीसा एंड राधानगर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, आंसर इज ई। सो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिलेटेड विद इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो ये 8 बीचेस को मिला है ये याद रखना है आपको, एंड इट स्प्रेड अक्रॉस 5 states एंड 2 union territory। और कौन सी डेट को ये मिला, 11 अक्टूबर 2020। क्वेश्चन नंबर 54 इज द स्टार्स इज अ न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट। ए डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डी डिपार्टमेंट एनर्जी ऑफ एटॉमिक एंड ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, आंसर इज ए डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 55 इज रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज अ कमेमोरेटिव कॉइन ऑफ हाउ मच डिनोमिनेशन टू मार्क द 75th एनिवर्सरी ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन विच इज एन ऑर्गेन ऑफ यूनाइटेड नेशन। सो ऑप्शंस आर ए 50, बी 100, सी 75, डी 200, ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, आंसर इज सी 75। डिनोमिनेशन का कॉइन जो है वो रिलीज किया गया बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन 75th एनिवर्सरी ऑफ FAO। क्वेश्चन नंबर 56 इज द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इंक्रीज द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर लोकसभा एंड असेंबली पोल बाय हाउ मच परसेंट अहेड ऑफ बिहार असेंबली इलेक्शन एंड बाय पोल इन अदर स्टेट्स एंड एमिड ऑफ कोरोना वायरस पैंडमिक। तो कानून और न्याय मंत्रालय ने कोरोना वायरस महामारी के बीच में बिहार विधानसभा सभा चुनाव और अन्य राज्यों में उपचुनावों से पहले लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए अधिकतम व्यय सीमा कितनी बढ़ा दी है। तो ऑप्शन आर ए 10%, बी 15%,
सी 12.5%, डी 20%, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए 10%. क्वेश्चन नंबर 57 इज कंसीडर द लिस्ट. स्टेट्स आर गिवन इन द कॉलम 1 एंड लिस्ट 2 इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इज गिवन. तो आपको करेक्ट कोड बताना है इसमें से. ए बिहार 149, बी मध्य प्रदेश 164, सी राजस्थान 173, डी उत्तर प्रदेश 197. ये मैंने आपको लर्न करने के लिए दिया है, इसको आपको यहाँ से याद हो जाएगा MMR कितना है. सो आंसर इज ए. सो बिहार का कितना है 149 है, मध्य प्रदेश का 173, राजस्थान का 164 एंड उत्तर प्रदेश का 197. तो आपको बिहार का और दोनों एक दो स्टेट्स का आप याद कर लो, उत्तर प्रदेश का पूछ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 58 इज बीम्स इज अ प्रोग्राम ऑफ. तो बीम किसका प्रोग्राम है. ए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बी इसरो, सी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, डी डिपार्टमेंट एनर्जी एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. सो बीम क्या है. इट इज स्टैंड फॉर बीच एनवायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज. इट कम अंडर द ICZM इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के अंडर आता है ये. क्वेश्चन नंबर 59 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्वाड. तो क्वाड का कौन सा मेंबर नहीं है. ए USA, बी UK, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इंडिया, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी UK. सो क्वाड एक इनफॉर्मल ग्रुप है फोर कंट्रीज का, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड USA. और ये फॉर्म किया गया था अगेंस्ट द इंक्रीजिंग एग्रेसिव एक्टिविटीज ऑफ चाइना. क्वेश्चन नंबर 60 इज कपिला इज अ प्रोग्राम और अभियान लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री. ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री, सी राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, डी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री का प्रोग्राम है ये, आप याद रखना. क्वेश्चन नंबर 61 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020. तो कोई भी इंडेक्स और रिपोर्ट में से जरूर क्वेश्चन आता है, यहाँ से आप सारे याद कर लेना, मैं पूरे कवर करा दूंगी आपको. ए इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज रिलीज एवरी ईयर बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. बी इंडिया रैंक 94th अमंग 107 कंट्री इन टर्म ऑफ हंगर इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020. सी इंडिया रैंक हायर देन मोस्ट ऑफ इट्स साउथ एशियन नेबर्स. डी हंगर इज ऑल्सो प्रेवलेंट इन सम डेवलप्ड कंट्री. ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी, बी इज करेक्ट ऑप्शन. इंडिया की रैंक 94 है और 107 कंट्रीज में से इन टर्म ऑफ हंगर इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020. सो ये एक एनुअल रिपोर्ट होती है विच इज जॉइंटली पब्लिश बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ. तो ये भी आप याद रख लेना कौन रिलीज करता है इसको. क्वेश्चन नंबर 62 द थ्रेशहोल्ड लिमिट ऑफ वेजेस अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम इज. ए 15,000 पर मंथ, बी 18,000 पर मंथ, सी 21,000 पर मंथ, डी 30,000 पर मंथ, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी 21,000 पर मंथ. क्वेश्चन नंबर 63 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर पार्टी टू अब्राहम अकॉर्ड. ऑप्शंस आर ए इजराइल, UAE, बहरैन, बी इजराइल, इजिप्ट, जॉर्डन, सी इजराइल, सऊदी अरेबिया एंड UAE, डी सऊदी अरेबिया, लेबनन एंड जॉर्डन एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए इजराइल, UAE एंड बहरान. तो ये अकॉर्ड जो है ये साइन किया गया था बाय बहरान अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जानी, UAE के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान एंड इसराइल PM मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने किया था 15 सितंबर 2020 को. कहां पर किया था. व्हाइट हाउस इन वॉशिंगटन DC में.
क्वेश्चन नंबर 64 इज द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ESI स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम टू ए अरुणाचल प्रदेश, बी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, सी मेघालय, डी त्रिपुरा, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए अरुणाचल प्रदेश. क्वेश्चन नंबर 65 इज कैरो टार 2020 केम इन टू फोर्स ऑन September 21, 2020. तो इसका एम आपको बताना है. ए प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम मिसयूज ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बी एंडेंजर स्पीशीज ऑफ सर्टेन इंडिजिनस प्लांट, सी प्रोवाइड सेफगार्ड मैकेनिज्म फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस, डी प्रोटेक्ट हेरिटेज साइट्स आउटसाइड द लिस्ट ऑफ यूनेस्को हेरिटेज साइट, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम मिसयूज ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. तो इसकी फुल फॉर्म क्या है कैरोटार की? द कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल ऑफ ओरिजिन अंडर ट्रेड एग्रीमेंट रूल 2020. ये यूज किया गया था टू इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया वेयर द इम्पोर्टर मेक अ क्लेम ऑफ प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट. क्वेश्चन नंबर 66 इज द 5-year प्लान वॉज फर्स्ट लॉन्च्ड इन ए चाइना, बी इंडिया, सी USSR, डी भूटान, ई नन ऑफ द अबव. सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी USSR. तो सोवियत यूनियन ने फर्स्ट 5-year प्लान 1928-32 में इम्प्लीमेंट किया था. किसने किया था? भाई जोसेफ स्टालिन जो थे उन्होंने किया था. क्वेश्चन नंबर 67 इज टिल व्हेन डज द गवर्नमेंट वांट टू एलिमिनेट द ट्यूबरक्लोसिस. तो ट्यूबरक्लोसिस को कब तक एलिमिनेट करना है? ए 2030, बी 2025, सी 2027, डी 2022, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी 2025. क्वेश्चन नंबर 68 इज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस्ड विच स्कीम फॉर द पुअर एमिड कोरोना वायरस लॉकडाउन. तो स्कीम का नाम बताना है. ए गरीब कल्याण अन्न योजना, बी अन्नपूर्णा योजना, सी गृह कल्याण योजना, डी अन्नदाता संपर्क योजना, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए. सो ये है गरीब कल्याण अन्न योजना जो फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च की थी ऑन 26 मार्च 2020. क्वेश्चन नंबर 69 इज इंडिया वॉज प्लेस्ड एट दिस पोजिशन अमंग द वर्ल्ड टॉप FDI रेसिपियंट इन 2019. तो 2019 का मैंने पूछा है. ए थर्ड, बी 10th, सी 9th, डी 15th, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. सो आंसर इज सी 9th. तो इंडिया 9th लार्जेस्ट रेसिपियंट है FDI का इन 2019 एज पर द UNCTAD रिपोर्ट. क्वेश्चन नंबर 70 इज विवाद से विश्वास स्कीम इज रिलेटेड टू ए इनडायरेक्ट टैक्स, बी डायरेक्ट टैक्स, सी फिस्कल डेफिसिट, डी इन्फ्लेशन, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी डायरेक्ट टैक्स. तो विवाद से विश्वास स्कीम जो है ये यूनियन बजट 2020 में आया था फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू पेंडिंग इनकम टैक्स लिटिगेशन. क्वेश्चन नंबर 71 इज विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज मोस्ट प्रोस्पेरस डिस्ट्रिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंजप्शन पैटर्न ऑफ पेट्रोल. तो ऑप्शंस आर ए विशाली, बी पटना, सी बक्सर, डी रोहतास, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी पटना. क्वेश्चन नंबर 72 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैड द लोएस्ट पर कैपिटा इनकम इन 2011-12. तो लोएस्ट पर कैपिटा इनकम के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट बतानी है. ए सुपौल, बी बेगूसराय, सी शिवहर, डी बक्सर एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी शिवहर. क्वेश्चन नंबर 73 इज विच इज द अर्बनाइजेशन लेवल इन बिहार एज पर सेंसस 2011. तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर दर क्या है? ऑप्शंस आर ए 12.1%, बी 11.3%, सी 10.5%, डी 15.6% एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन.
आंसर इज बी 11.3%. क्वेश्चन नंबर 74 इज 15th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड हाउ मच परसेंट शेयर ऑफ स्टेट इन द नेट प्रोसीड्स ऑफ यूनियन टैक्स रिवेन्यू. ऑप्शंस आर ए 40, बी 41, सी 42, डी 43, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी 41. क्वेश्चन नंबर 75 इज 15th फाइनेंस कमीशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ए डॉक्टर अरविंद पनकरिया, बी डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यू, सी डॉक्टर सुबीर गोकरण, डी एन के सिंह, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी एन के सिंह. क्वेश्चन नंबर 76 इज व्हाट इज लेसे फेरे सिस्टम. ए अ पॉलिसी टू हैव मोर इंटरेक्शन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमीज, बी अ पॉलिसी टू क्लोज इकोनॉमी, सी सडन चेंज इन द टैक्स रेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड डी सडन इंक्रीज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए. सो इट इज अ पॉलिसी टू हैव मोर इंटरेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमीज. क्वेश्चन नंबर 77 इज व्हाट डज लैफर कर्व शो. तो लैफर कर्व किससे रिलेटेड है. ए इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन द रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, बी रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, सी रिलेशनशिप बिटवीन टोटल टैक्स रिवेन्यू एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टैक्स रेट, डी टैरिफ रेट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. कर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से. सो आंसर इज सी. तो लैफर कर्व रिलेशनशिप बताता है बिटवीन टैक्स रिवेन्यू एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टैक्स रेट. क्वेश्चन नंबर 78 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट. बताना है रिगार्डिंग कमर्शियल पेपर. ए इट इज सिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट, B. It is issued by the financial institution to meet their short-run financial requirement. C. The maturity in this paper or a short period of 90 days to 364 days. D. On March 1989, commercial paper in India was introduced by the RBI in Indian money market. And E. None of the above. So try to attempt this question. आंसर इज ए. सो ए स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज इट इज अ अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट और अदर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग कमर्शियल पेपर. क्वेश्चन नंबर 79 इज द मुद्रा बैंक इज अ सब्सिडरी ऑफ ए आरबीआई, बी सेबी, सी सिडबी, डी नाबार्ड, एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी सिडबी. सो मुद्रा बैंक जो है वो सिडबी का सब्सिडरी है. क्वेश्चन नंबर 80 द अल्फाबेट डी इन द एब्रिविएशन एन डी टी एल कॉमनली यूज इन बैंकिंग वर्ल्ड स्टैंड्स फॉर. तो आपको डी का फुल फॉर्म बताना है एन डी टी एल में से. ए डिमांड, बी डिबेंचर, सी डेट, डी डिपॉजिट, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए. सो एन डी टी एल क्या होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज. ये शो करता है डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी दैट इज डिपॉजिट्स ऑफ अ बैंक विद द पब्लिक और द अदर बैंक. क्वेश्चन नंबर 81 अ करेंसी नोट विच इज होली और पार्शली वॉश्ड, श्रंक, ऑल्टर्ड और इनडेसिफरेबल इज नोन एज ए फोर्स्ड बैंक नोट, बी सोल्ड बैंक नोट, सी ऑब्लिगेटेड बैंक नोट, डी इम्परफेक्ट बैंक नोट, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी. सो इट इज कॉल्ड एज इम्परफेक्ट बैंक नोट. क्वेश्चन नंबर 82 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नीति आयोग. ए इट वॉज फॉर्म 25th January 2016, बी नीति आयोग कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सी द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, डी नीति आयोग इज अ पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज
डी. सो यहाँ पर डी स्टेटमेंट करेक्ट है. नीति आयोग जो है पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं. मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ रहे हैं. मिस प्रिंट भी हो जाता है कई बार क्वेश्चन में. मैंने उसको करेक्ट करके पिन भी कर दिया है कमेंट सेक्शन में. आप चेक करिए प्लीज, उसके बाद ही कमेंट करिए. ये क्वेश्चन मैंने सीरीज वन में दिया था. इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर सारी स्टेटमेंट्स गलत हैं, बस डी सही है. बिकॉज नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. और ये कब आया था? 1 जनवरी 2015 को आया वाई रेजोल्यूशन ऑफ यूनियन कैबिनेट. और नीति आयोग जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है. सो फ्रेंड्स, कई बार हम 100 क्वेश्चन में बना रहे हो, आपको 1000 क्वेश्चन दे रही हूँ, तो कई बार मिस प्रिंट भी हो जाता है. और कोई भी क्वेश्चन में अगर एरर होता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछिए. मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट अगर एक बार मैंने रिप्लाई कर दिया तो आप कमेंट सेक्शन को फॉलो करिए, उसको देखिए और फिर ही दोबारा से वो क्वेश्चन पूछिए. क्योंकि बार बार एक ही क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जाएगा, क्वेश्चन जो है एक बार पिन कर दिया जाएगा. अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में देख लें. क्वेश्चन नंबर 83 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. तो इसमें से एमपीसी के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है. तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इंपॉर्टेंट है. ऑप्शंस आर ए, एमपीसी इज अ कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड लेड बाय द गवर्नर ऑफ आरबीआई. बी, आरबीआई इज ऑथोराइज टू मेक मॉनेटरी पॉलिसी अंडर द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934. सी, इट इज अ 10 मेंबर बॉडी इंक्लूडिंग द गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड इट इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर. एंड डी इज एमपीसी कंप्राइजेज ऑफ 3 एक्सटर्नल मेंबर एंड 3 मेंबर्स फ्रॉम द आरबीआई, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी. सो इसमें सी जो है वो इनकरेक्ट है. बिकॉज ये कमेटी जो है इसमें 6 मेंबर होते हैं, जिसमें से 3 ऑफिशियल होते हैं आरबीआई के और 3 एक्सटर्नल मेंबर होते हैं विच आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो सी को मैंने बता दिया क्या गलत है, और बाकी स्टेटमेंट्स को आप एज इट इज याद कर लो. यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से. क्वेश्चन नंबर 84 इज बजट 2021-22 प्रपोजल टू रेस्ट ऑन 6 पिलर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग देम. तो आपको बताना है कि 6 पिलर जो थे बजट के, उसमें से कौन सा 6th में नहीं आता है. ए, हेल्थ एंड वेलबींग. बी, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस. सी, इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट. डी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशन इंडिया. एंड ई, नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. सो आंसर इज ई, नन ऑफ द अबव. तो इसमें जो है सारे सही हैं. बिकॉज जो बजट 2021-22 में था, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने प्रपोजल किया था फाइनेंशियल ईयर के लिए 6 पिलर्स पे. और ये 6 पिलर है इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, आप इसको याद कर लो. हेल्थ एंड वेलबींग, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, री इन्वेग्रेटिंग ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस. क्वेश्चन नंबर 85 इज वट इज एमएसएमई पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल कॉल्ड. तो इसमें से आपको बताना है कौन सा ये पोर्टल बोला जाता है. ए, एमएसएमई समाधान. बी, एमएसएमई संपर्क. सी, एमएसएमई संबंध. डी, केवीआईसी. ई, नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी, एमएसएमई संबंध जो है इट इज अ एमएसएमई पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल. क्वेश्चन नंबर 86 इज एमएसएमई इज डिफाइंड अंडर विच एक्ट. तो कौन सी एक्ट से आया था. ए, 2000. बी, 2002. सी, 2005. डी, 2006. ई, नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी, 2006 में आता है. क्वेश्चन नंबर 87 जीडीपी डिफ्लेटर इज यूज टू. तो किस लिए यूज होता है जीडीपी डिफ्लेटर. A, to measure the relative reduction in the GDP growth rate of a country. B, to measure the inflation in a country. C, compare the GDP of a country vis-a-vis other countries of the world. D, estimate the purchasing power of the citizen of a country. E, none of the above. So try to attempt this question. Answer is B, it is used to measure the inflation in a country. जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है. ये इकोनॉमिक मेट्रिक है जो अकाउंट करता है फॉर इन्फ्लेशन बाय कन्वर्टिंग द आउटपुट मेजर्ड एट द करंट प्राइस इनटू कांस्टेंट डॉलर जीडीपी.
सो जो जीडीपी डिफ्लेटर होता है ये बताता है कि कितना चेंज हुआ है बेस ईयर ऑफ जीडीपी में, विच रिलाई अपॉन द चेंजेस इन द प्राइस लेवल के ऊपर जो रिलाई करता है. क्वेश्चन नंबर 88, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग. तो इसमें से इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग का फीचर कौन सा नहीं है बताना है. ए इम्पेरेटिव प्लानिंग, बी लिमिटेड सेंट्रलाइजेशन, सी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, डी इंडिकेटिव प्लानिंग एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए. सो इम्पेरेटिव प्लानिंग जो है इट इज नॉट अ फीचर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया, बिकॉज इम्पेरेटिव प्लानिंग केस में क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है वो पब्लिक सेक्टर से बिलोंग करती है. सो इसमें इस टाइप ऑफ प्लानिंग में क्या होता है, डिसीजन जो होते हैं वो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के थ्रू लिए जाते हैं, इंस्टेड ऑफ मार्केट सिस्टम के थ्रू नहीं लिए जाते. सो देर इज अ एब्सेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, इवन कॉम्पिटिशन एंड प्रॉफिट मोटिव ऑफ द इंडस्ट्रियल. सो इट इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग. क्वेश्चन नंबर 89 इज विच इज नॉट इंक्लूडिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. तो कौन सा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं आता है. ए लार्ज इंडस्ट्री, बी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, सी माइक्रो इंडस्ट्री, डी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. सो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. क्वेश्चन नंबर 90 इज विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8 कोर सेक्टर्स इन इंडिया. तो 8 कोर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बताना है आपको कौन सा नहीं है. ए कोल, बी फर्टिलाइजर, सी इलेक्ट्रिसिटी, डी केमिकल, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी. सो केमिकल जो है वो 8 कोर इंडस्ट्री में नहीं आता है. 8 कोर इंडस्ट्री के नाम फटाफट से याद कर लो, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो इसमें केमिकल नहीं आता. क्वेश्चन नंबर 91, अकॉर्डिंग टू द बजट हाउ मच अमाउंट इज एलोकेटेड फॉर कोविड वैक्सीन के लिए. कितना अमाउंट दिया गया बजट में. ए 12,000 करोड़, बी 20,000 करोड़, सी 35,000 करोड़, डी 50,000 करोड़, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी 35,000 करोड़. क्वेश्चन नंबर 92, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट. नॉट करेक्ट बताना है रिगार्डिंग 7 निश्चय योजना 2. तो ये योजना भी इंपॉर्टेंट है. ए क्रिएटिंग द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पॉलीटेक्निक एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बी एस्टैब्लिशिंग द मेगा स्किल डेवलपमेंट सेंटर इन ईच डिस्ट्रिक्ट एंड टूल रूम इन ईच डिविजन, सी प्रोवाइडिंग द ग्रांट अप टू 5 लाख रुपी एंड लोन अप टू 5 लाख रुपी एट अ सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट to youth and women for setting up of new business, D providing the cash incentive to female student ₹2500 upon completing senior secondary and ₹5000 upon completing graduation, E is none of the above or more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is D. So इसमें D जो है वो incorrect है, because यहाँ पर आएगा 25,000 and 50,000 rupees. तो इसमें क्या दिया हुआ है, 2500 और 5000 दिया था. इसकी जगह आप याद कर लो 25,000 और 50,000 आएगा फॉर कंप्लीटिंग सीनियर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएशन के लिए. तो आपको थोड़ा सा बता देती हूँ स्कीम के बारे में. जो 7 निश्चय योजना 2 है 2021-22 में आई है, इसको एलोकेट किया गया है 4,671 करोड़ रुपीज इस प्रोग्राम के लिए. और इसके मेन स्कीम के जो पार्ट है वो याद कर लो, टू क्रिएट द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पॉलिटेक्निक, ये पूरा मैंने आपको दे दिया, ये सारे के सारे याद कर लेना. बस याद रखना यहाँ पे 25,000 और 50,000 आएगा, ये पीटी मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 93, अकॉर्डिंग टू द बिहार बजट कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर 21-22 इज प्रपोज टू बी ₹41,231 करोड़, विच इज एन एनुअल इंक्रीज ऑफ हाउ मच परसेंट ओवर 2019-20. तो आपको बताना है बिहार बजट के अनुसार 2021-22 के लिए पूंजीगत व्यय 41,231 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जो कि 2019-20 में कितना वार्षिक वृद्धि हुआ है. ए 12%, बी 30%, सी 43%, डी 53%, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी. तो 43% इंक्रीज हुआ है, आपको ये लर्न रखना है.
Question number 94. According to the Bihar budget, revenue expenditure for 2021-22 is proposed to be 1,77,071 crore, which is an annual increase of over 2019-20. तो आपको बताना है कितना annual increase हुआ है. A 12%, B 15%, C 18%, D 20%, E none of the above. So budget से तो question आएंगे बिहार के budget से, तो इसलिए मैं सारे fact याद करा दूंगी आपको. बताइए इसका answer. आंसर इज डी, 20% इंक्रीज हुआ है, आपको याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 95. द बॉटम थ्री डिस्ट्रिक्ट बेस्ड ऑन द पर कैपिटा इनकम इन बिहार आर ए माधेपुरा सुपौल सीहोर, बी वेस्ट चंपारण ईस्ट चंपारण पटना, सी बक्सर बंका सीतामढ़ी, डी दरभंगा मुजफ्फरपुर वैशाली एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए माधेपुरा सुपौल एंड सीहोर. क्वेश्चन नंबर 96. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट. बताना है रिगार्डिंग बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट 2016. ए रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल द इंडस्ट्रियल यूनिट विल बी वॉलेंट्री एक्सेप्ट दोज फॉर विच लाइसेंस इज नेसेसरी अंडर द इंडस्ट्री एक्ट 1951 फॉर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग. टू इज अप्रूवल ऑफ द स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल मे बी ऑब्टेन विद इन 16 डेज ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन एंड ऑप्शन आर ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी वन एंड टू, डी नाइदर वन नॉट टू एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. पॉलिसी आपके सिलेबस में है, मैं क्वेश्चन कराऊंगी यहाँ से पक्का सारे. सो आंसर इज बी, टू ओनली. तो यहाँ पर टू स्टेटमेंट जो गलत है, यहाँ पर विद इन 60 डेज की जगह क्या आएगा, 30 डेज आएगा. अप्रूवल ऑफ स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल मे बी ऑब्टेन विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन. क्वेश्चन नंबर 97. अकॉर्डिंग टू बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2016, हाउ मच परसेंटेज इज द प्रोविजन ऑफ सब्सिडी फॉर द SC/ST वुमेन और थर्ड जेंडर वॉर विडो एसिड अटैक विक्टिम एंड द डिफरेंशियल इंडस्ट्री. तो परसेंटेज बताना है आपको. ए 5%, बी 7%, सी 15%, डी 20%, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी, दैट इज 15% है. क्वेश्चन नंबर 98. द मार्केटिंग ऑफ डेयरी प्रोडक्ट इन बिहार इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन. ए कॉम्फेड, बी KVIC, सी PMEGP, डी बियाडा एंड सी नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए. सो इट इज डन बाय कॉम्फेड. क्वेश्चन नंबर 99 इज इन विच ईयर द बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन वॉज एस्टैब्लिश. तो ये बताना है ए 1984, बी 1983, सी 1990 एंड डी 1995 एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी. तो इट केम इन 1983. तो नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सीरीज 100 क्वेश्चन. मुख्यमंत्री इंटीग्रेटेड हैंडलूम डेवलपमेंट स्कीम वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर. ए 2010-11, बी 2012-13, सी 2014-15 एंड डी 2016-17 एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी 2012-13. सो फ्रेंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज टेस्ट सीरीज. तो आज मैंने आपको 400 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस. मैं पूरा सिलेबस कवर कर रही हूँ. इसमें बिहार का बजट, जो जो पॉलिसीज हैं, जो जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है, मैं सब पे क्वेश्चन आपको कवर करा रही हूँ. आप बिल्कुल भी वरी मत कीजिए. और वीडियो के लिए जैसे आप वेट कर रहे हैं वो मुझे अच्छा लग रहा है सुन के, बट मैं आपको 1000 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम से पहले ही कवर करा दूंगी, दो दिन पहले एग्जाम के, ताकि आपको टाइम मिल जाए रिवीजन करने का. तो आप बिल्कुल भी वरी मत कीजिए, बस वीडियो को देखिए, वॉच करिए. अगर उसमें एक दो क्वेश्चन में एरर होता है तो एज पर द ऑफिसर अप्रोच, आप एक ऑफिसर का एग्जाम दे रहे हो, आप जो क्वेश्चन में एरर है उस पर फोकस मत करिए. जो एक या दो क्वेश्चन के अलावा 98 क्वेश्चन दिए गए हैं उस पर फोकस करिए, बिकॉज 98 क्वेश्चन में से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे. एक दो क्वेश्चन के लिए आप सारे क्वेश्चन को अपने वेस्ट मत करिए. तो मेरा यही कहना है, अगर कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक क्वेश्चन को प्लीज़ बार बार मत पूछिए. कमेंट सेक्शन में एक पिन ऑप्शन होता है, वो पिन किया जाता है ताकि ऊपर हाईलाइट किया जाए अगर कोई भी एरर है क्वेश्चन का, तो आप उसको फॉलो करिए.
पीडीएफ के लिए आपको मैं हर एक वीडियो के नीचे सबका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। इस वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी 3 सीरीज का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया, आने वाली वीडियोज में भी मैं आपको और पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप वॉचिंग एस्पायर एंड ड्रीम सिविल सर्विसेज, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले इस चैनल से। जय हिंद।